ऑटोडॉक और वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द ऑटोडॉक। सो इस वीडियो में बात करेंगे हीरो स्प्लेंडर प्लस के बारे में, और ये होल्ड के भी पॉपुलर है। सो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो चुके हैं स्प्लेंडर को, और कुछ न्यू एडिशन भी आया था। सो पॉपुलर बाइक की बात करते हैं। सो एक्सटीरियर से पहले बात करेंगे, देन फीचर्स की बात करेंगे, FI टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इंजन ऑप्शन एंड क्या क्या राइवल उसकी बात करेंगे, प्राइस मेजर उसकी भी बात करेंगे। सो फ्रंट से स्टार्ट करते, पहले हम देख लेते हैं हेलोजन हेडलैम्प, इंडिकेटर्स भी आपको हेलोजन में देखने मिलने वाले, और जो शटल आपको फ्रंट में देखने मिल जाएगी डिज़ाइन। बाइक बहुत ही अच्छी लगती है, शटल डिज़ाइन है, कुछ ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ है बाइक में। और साइड में हम देखें तो आपको कुछ न्यू ग्राफिक्स देखने मिल जाएंगे, लाइक ऑन फ्यूल टैंक एंड देन स्प्लेंडर प्लस की बैजिंग एंड i3 और वो सब की बैजिंग आपको साइड में देखने मिल जाएगी। सस्पेंशन भी अच्छे खासे इस बाइक में आते हैं, बहुत सी जगह पर ये बाइक जा सकती है विदाउट एनी डाउट। मेनली इसको लोग गांव में ही चलाते हैं, विलेज एरिया में ही चलाते हैं। और बैक में बात करें तो बॉक्स जो आप देख सकते हो टेल लैम्प की डिज़ाइन है, इंडिकेटर्स भी आपको हेलोजन में मिलने वाले, रिफ्लेक्टेड है आप देख सकते हो, एंड देन साइलेंसर, डिसेंट सब उसमें साउंड आता रहता है या नॉइज़ आती रहती है। और अगर हम बात करें तो एक्सेंस टेक्नोलॉजी अब ऐड हो चुकी है इन द बाइक, सो आप देख सकते हो इंजन कट एंड ऑफ, एंड देन इसका कंजप्शन भी कम होता है, देन इजीली अपहिल क्लाइंब एंड वो सब फीचर्स बाइक में अब आ चुके हैं स्प्लेंडर प्लस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो। देन IBS और वो सब ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी है, i3S एक न्यू टेक्नोलॉजी है बाइक में, बाइक के टायर और वो भी बहुत अच्छे खासे, अब बाइक को कहीं भी ले जा सकते हो विदाउट एनी डाउट। और मेनली विलेज एरिया में ये बाइक ज़्यादा काम आती है। सो फ्यूल टैंक भी अच्छे खासी कैपेसिटी का आपको देखने मिल जाएगा, उसकी स्पेसिफिकेशन की बात हम आगे करते हैं। बैटरी आपको देखने मिल जाएगी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत ही बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, और आप देख सकते हो साइड स्टैंड का इंडिकेटर एंड वो सब इंडिकेटर्स आपको देखने मिल जाएंगे। सो इंजन ऑप्शन की बात करें तो आप देख सकते हो एयर कूल फुल स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन आपको देखने मिलने वाला है। इसकी पावर और टॉर्क आप देख सकते हो ऑन द स्क्रीन, और किक स्टार्ट और इलेक्ट्रिक स्टार्ट आपको दोनों ही देखने मिलता है इन द बाइक। ट्रांसमिशन और चेसिस की बात आप करें तो देख लेते हैं, वेट मल्टी प्लेट आपको क्लच देखने मिल जाएगा विथ 4-speed गेयरबॉक्स, एंड सस्पेंशन आप देख सकते हो टेलीस्कोपिक एंड पीछे वो एडजस्टेबल वाला 5-step एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको देखने मिल जाएंगे बैक में। कलर ऑप्शन बाइक में बहुत सारे आते हैं, साइड में आप जो 3 कलर्स दिख रहे हैं वो स्पेशल एडिशन के कलर है, इसमें बहुत सारे एडिशन भी आ चुके हैं, बट जो 4 आप देख रहे हो वो मेन कलर्स हैं स्प्लेंडर प्लस में। प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हो प्राइस कुछ 65,000 से स्टार्ट होके 17,000 तक जाती है। सो स्प्लेंडर प्लस 100 million एडिशन जो कि टॉप वेरिएंट है उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। राइवल किससे करती है, तो राइवल करती है ये TVS स्टार सिटी प्लस, बजाज प्लेटिना 100, और अगर हम स्कूटीज़ की बात करें तो आप देख सकते हो होंडा एक्टिवा 6G, होंडा डियो, बजाज प्लेटिना 110 प्लस। व्हील्स आपको देखने मिल जाएंगे 18 इंच के फ्रंट और रियर दोनों में, ट्यूबलेस आपको देखने मिलते हैं, और बाकी स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हो। फ्यूल टैंक आपको 9.8 लीटर्स का आपको देखने मिल जाता है इन द बाइक। और कैसे लगी आपको वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो तब तक के लिए, और फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, बहुत ही जल्द हमारे 1000 होने वाले, सो और 500 हो चुके हैं, सो कम्युनिटी पोस्ट भी ओपन हो चुकी है, तो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉगर, टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, और पिंटरेस्ट पे भी जाके फॉलो कर सकते हो। और आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं एक डिफरेंट टॉपिक एक डिफरेंट वीडियो के साथ, सो बाय बाय।